महाराष्ट्र आगामी विधानसभा संदर्भात व इंडियन युनियन मुस्लिम लीगची काल सोलापूर येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी सोलापूर जिल्ह्याचे मुस्लिम लीग जिल्हा अध्यक्ष अब्दुल नदीम डोणगावकर यांनी पत्रकार परिषदात माहिती देताना तमाम महापुरुषों को नमन करके आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सोलापुर शहर व जिला की जानिब से आज का एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है. आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि सोलापुर का जो इतिहास रहा है बड़ा ही ज्वलंत रहा है और सोलापुर के इतिहास में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समाज को न्याय देने के लिए एक आमदार दिया था जिनका नाम मरहूम अब्दुल सत्तार जमादार है. और आज बहुत दिनों से मुस्लिम समाज की ये मांग रही कि सोलापुर शहर में मुस्लिम नेतृत्व की जो कमी है वो बड़ा ही खंत की बात है. और फिर एक दफ़ा 40 साल के बाद जनता ये चाहती है कि सोलापुर का नेतृत्व मुस्लिम समाज के नेतृत्व के लिए फिर एक दफ़ा मुस्लिम समाज का आमदार चुनकर देने के लिए मुस्लिम लीग कटिबद्ध है. और साथ ही साथ हमारे महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाड़ी के नेता पद्मश्री माजी आमदार लक्ष्मण जी माने साहब हमारे साथ हमारे पार्टी के साथ युति करके आने वाले विधानसभा का चुनाव 7 तारीख को सोलापुर के अंदर ज्वाइंट पत्रकार परिषद लेंगे और उनके साथ पत्रकार परिषद के अंदर हम आने वाली दिशा और धोरण हमारे राष्ट्रीय सचिव खासदार कुनाली मुफ्ती साहब और हमारे जो 4 खासदार है पार्टी के दिगर आमदार है वो 7 तारीख के बाद दिशा और धोरण तय करेंगे.